दोस्तों एक और कार्यक्रम कीजिए स्वीकार। आप सबको दीपक बंसल का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का नाम है सितारों की बात। आज आपकी एक नए सितारे से कराते हैं मुलाकात तो करते हैं शुरुआत। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है समाज के अनेक क्षेत्रों में सेवा का कार्य करने वाले प्रतिभावान व्यक्तियों के विचारों को आप तक पहुँचाना, ताकि उनसे प्रेरणा लेकर हमारे युवा जनहित के कार्यों का प्रचार प्रसार कर सके। आज बातचीत के लिए हमारे साथ है मशहूर मॉडल पारुल सक्सेना। पारुल जी स्वागत है आपका। दीपक सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दिशा टीवी चैनल पर बुलाया, इस लायक समझा कि मैं आपसे रूबरू हो सकूं। पारुल जी टैलेंट की खोज सीजन वन में बरेली और नोएडा में अपनी पहचान बनाने के बाद मुंबई में प्रतियोगिताओं के लिए आप किस प्रकार से चुनौती बनने जा रही हैं? पहले तो सेमीफाइनल राउंड क्रॉस करने के बाद अब मेरी मुंबई के लिए तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि मुझे ये शो अपनी जीत पहचान बनाने के लिए जीतना है, इसलिए मैंने इसके लिए प्रयास ही बहुत सारे शुरू कर दिए। पहले तो मैं करती थी प्रयास करती थी, लेकिन अब जो है ये शो मेरा एक जुनून बन चुका है। इस शो के माध्यम से मुझे अपना सिक्का जमाना है, इसलिए मेरी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि ये शो मैं जीत कर आऊँ। मॉडल बनने का विचार आपके मन में कब और कैसे आया? मॉडल बनने का विचार मेरे मन में बचपन से ही, मुझे फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ था तो मैं हमेशा फ़ोटोग्राफी करती रहती थी। फिर मैंने टीवी पर बहुत सी मॉडलों को देखा, उनमें से वहाँ पर मेरे अंदर विचार आया कि आज जिस जगह वो खड़ी हुई है एक ना एक दिन मैं भी वहाँ पर खड़ी हो सकती हूँ, इसलिए ये जुनून भी मेरा एक पैशन में बदल गया कि मुझे मॉडल ही बनना है। आने वाली मूवी बंसल LLB में आपके चयन को आप किस प्रकार से देखते हैं? बंसल LLB मूवी जैसा कि आपने सुना ही होगा 15 जनवरी के बाद हमारा जो मुंबई का फिनाले है, इस राउंड को क्रॉस करने के बाद मुझे इस मूवी में काम करने का प्रस्ताव दिया गया। मैं इस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मूवी मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखती है, क्योंकि मुझे पहली बार मूवी में ब्रेक मिल रहा है। मुझे यूँ कह लीजिए कि मैंने छोटे से शुरुआत करी और मुझे अचानक से एकदम मूवी का ब्रेक मिला, इसलिए इसके मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बंसल LLB में काम करने का मौका मिल रहा है और ये 100% श्योर ब्लॉकबस्टर हिट जाएगी ये मूवी। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा? मुझे अपने आप पर बहुत विश्वास था और ऑन टाइम वर्ल्ड मीडिया पर बहुत विश्वास था, इसलिए इस विश्वास के जरिए मैं आज आपके सबके सामने बैठी हुई हूँ। पारुल जी इस कामयाबी का श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? इस कामयाबी का श्रेय मैं बहुत लोगों को देना चाहूँगी जिन्होंने मेरे अंदर नेगेटिव चीज़ें भी भरी थी, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी और उन लोगों का भी साथ में करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे अंदर पॉजिटिव चीज़ें ही भरी थी। सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता का ही शुक्रिया करना चाहूँगी जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, और मेरे पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है जो मैं उनकी वजह से आज शायद यहाँ बैठी हुई हूँ, जिन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। ऑन टाइम वर्ल्ड मीडिया से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? ऑन टाइम वर्ल्ड मीडिया से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जिसके फाउंडर है विजेंद्र गोस्वामी सर। विजेंद्र सर ने ऐसे बच्चों को मौका दिया है ऑन टाइम के जरिए, जैसा कि आपने सुना होगा जब भी ऑडिशंस होते थे तो अहमदाबाद, नोएडा, दिल्ली, गुजरात में होते थे, लेकिन छोटे छोटे शहरों के बच्चे इस चीज़ से वंचित रह जाते थे, लेकिन विजेंद्र सर ने ऑन टाइम जरिया के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म में आने का मौका दिया उन ऐसे बच्चों को जो छोटे छोटे शहर के बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बहुत ही बड़ा स्टेज मिला है, उन्हें मंच मिला है, इसलिए मैं विजेंद्र सर को इस चीज का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। पारुल जी आप हमारे दर्शकों को कामयाबी का क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगी कि कामयाबी के पीछे ज़रूरी नहीं है एक औरत या एक आदमी का ही हाथ हो, वो हाथ किसी का भी हो सकता है, परंतु अपने ऊपर बहुत बड़ा विश्वास रखना पड़ेगा। अगर आप कोई भी राह चुनते हैं तो हर राह में प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे आप स्टडी की ले लीजिए, चाहे टीचर बनने की ले लीजिए, चाहे किसी भी लाइन को ले लीजिए, हर लाइन में प्रॉब्लम होती है, लेकिन यदि अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप मुश्किल राह को भी बहुत आसान बना सकते हैं। मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मेरे सामने काफ़ी चीज़ें आई जिनको मैंने फेस किया, बहुत लोगों का सपोर्ट मांगा भी मैंने, कहा भी मैंने, लेकिन पर मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। पारुल जी आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं दिशा टीवी को और आपको बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहती हूँ। दोस्तों आपको इंतजार है प्रतिभाओं की नई नई मिसाल का, वक्त है छोटे से अंतराल का, कार्यक्रम के दूसरे भाग में करते हैं बात आदित्य के साथ। The
यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क करें 9716253499 9716253704। यदि आप डांसिंग या मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं और सफलता की चाह रखते हैं तो हमसे संपर्क करें। ऑन टाइम फिल्म इंस्टीट्यूट आपके सपनों को साकार करने के लिए सदैव तत्पर है। हमारा पता है E52 सेक्टर 3 नोएडा UP, डायरेक्टर विजेंद्र गोस्वामी। दोस्तों ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बातचीत के लिए हमारे साथ है मशहूर डांसर आदित्य चेत्री। आदित्य स्वागत है आपका। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक तक समझा। आदित्य छोटी उम्र और बड़ी परफॉर्मेंस, क्या राज है इस अभिनय का? जब प्रोग्राम से आता था एक दो बज जाते थे तब तब से मैं मुंबई के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और सर मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं। रात दिन एक दो बजे तक मेरे लिए एक सॉन्ग बनाते रह जाते हैं, इसलिए मैं और मेहनत करना चाहता हूँ। मुंबई में मैं जीत के आऊँगा और जीत के दिखाऊँगा। पहला डांसिंग रियलिटी शो आपको कब और कैसे मिला? मुझे सबसे पहले मैं इंडिया गॉट टैलेंट का सर को पता चला, फिर मैं उसका ऑडिशन देने लखनऊ गया। लखनऊ में जैसे ही मैं पहुंचा, इंडिया गॉट टैलेंट का पोस्टर था, बहुत सारे आदमी लाइन में खड़े थे, तब मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, लेकिन जैसे ही अंदर गया मेरे मन में था मैं जीत के आऊँगा, सिलेक्ट हो जाऊँगा। फिर मैं गया, मेरा बारी आया, फिर जजिस को मेरी एनर्जी स्माइल बहुत अच्छा लगा, जजिस ने मेरी तारीफ भी की। फिर थोड़ी देर हम वेट करें, फिर जजिस ने बोला यू आर सिलेक्टेड, तब मुझे बहुत खुशी मिली। डांसिंग करियर में आपका ड्रीम क्या है? ये ड्रीम है मेरा, मैं तब बड़ा हो जाऊँ, मैं एक कोरियोग्राफर बनना चाहता हूँ, कोरियोग्राफर, और अपनी एक खुद की एकेडमी खोलूँ जिसमें सर और मैं उस एकेडमी को आगे बढ़ा पाए और रियलिटी शो करते रहें। टैलेंट की खोज सीजन वन में आपने क्या प्लान किया? टैलेंट की खोज में सबसे पहले मैं ऑन टाइम वर्ल्ड मीडिया को थैंक्स बोलना चाहूँगा और विजेंद्र सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा, उन्होंने मुझे इतना अच्छा स्टेज दिया, थैंक यू सो मच। और मैं ये प्लान है, मैं मुंबई के बारे में सोच भी नहीं सकता था मैं डांस के लिए मुंबई जा पाऊँगा, थैंक यू सो मच मैं मुंबई जा पा रहा हूँ। और ये मेरी ये प्लान है, जो सर मुझे थीम दे मुझे उसमें बेस्ट करना है और बेस्ट करके दिखाना है, ये मेरा प्लान है। आदित्य कामयाबी के इस बेहतर प्रदर्शन का सहारा आप किसके सर बांधना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अपने अतुल सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा, फिर मैं अपने मम्मी पापा को थैंक्स बोलना चाहूँगा, उन्होंने मेरे पीछे बहुत मेहनत किया है। फिर मैं फाउंडर विजेंद्र सर को बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा, उन्होंने मुझे इतना अच्छा स्टेज दिया, थैंक यू सो मच विजेंद्र सर, ऑन टाइम वर्ल्ड मीडिया। आदित्य आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल तक समझा, थैंक यू। दोस्तों आपको इंतजार है प्रतिभाओं की नई नई मिसाल का, वक्त है छोटे से अंतराल का। कार्यक्रम के दूसरे भाग में करते हैं बात श्रेया सोनी के साथ। यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क करें 9716253499 9716253704। यदि आप डांसिंग या मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं और सफलता की चाह रखते हैं तो हमसे संपर्क करें। ऑन टाइम फिल्म इंस्टीट्यूट आपके सपनों को साकार करने के लिए सदैव तत्पर है। हमारा पता है E52 सेक्टर 3 नोएडा UP, डायरेक्टर विजेंद्र गोस्वामी। दोस्तों ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बातचीत के लिए हमारे साथ है टैलेंट की खोज की फाइनलिस्ट श्रेया सोनी। श्रेया स्वागत है आपका। थैंक यू। श्रेया टैलेंट की खोज सीजन वन में परफॉर्म करके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस मंच तक पहुंची, और मैं विजेंद्र गोस्वामी जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मैं सेमीफाइनल में सिलेक्ट हूँ।
रियलिटी शो में आने का विचार आपके मन में कब और कैसे आया? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं रियलिटी शो में पहुंची और मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं रियलिटी शो में आ सकूं। मैं जब टीवी देखती थी तो मैं मम्मा से कहती थी, क्वेश्चंस करती थी कि कब मैं रियलिटी शो में पहुंच पाऊंगी, और आज मैं इतने बड़े मंच पे हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। डांसिंग की दुनिया में आप किस मुकाम को हासिल करना चाहती हैं? मैं फाइनल तक जाना चाहती हूँ और भी शोज मुझे करने हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है डांस करके। मैं जब अपने जबलपुर में ऑडिशन दे रही थी तो मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, और मुझे फाइनल तक जाने के लिए मेरी बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है ताकि मैं फाइनल पे जाऊँ और अपने मम्मा डैडी का नाम रोशन करूँ। अगर डांसिंग और मॉडलिंग में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? मैं दोनों चुनना चाहती हूँ, और अगर वन चॉइस है तो मैं डांस चुनना चाहूँगी क्योंकि मैं बड़े होकर डांसर बनना चाहती हूँ और अपनी एक एकेडमी खोलना चाहती हूँ। मुंबई में होने वाले टैलेंट की खोज सीजन वन में आप क्या धमाल मचाने वाले हैं? मेरी इतनी प्रैक्टिस जोर शोर से चल रही, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चल रही मेरी। मेरे साथ जो विजय सर हैं, मेरे कोच हैं, वो बहुत ही प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ और मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए कि मैं उनका भी नाम रोशन करूं और एक डांसर बनके। श्रेया, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी सर। दोस्तों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। हमारा कार्यक्रम आता है सप्ताह में वन डे, जो होता है सबका हॉलीडे संडे। तो मिलते हैं अगले सप्ताह इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।